चूड़धार के जंगल में खोया मंगल सूत्र अब उसकी असली मालकिन को मिल गया है। महिला सोलन और सिरमौर जिला की सीमा पर स्थित कालाघाट की रहने वाली है। खोया हुआ मंगल सूत्र मिलने पर महिला बेहद खुश है और उन्होंने इसके लिए लाइफ टाइम्स टीवी और सिद्धार्थ शर्मा का धन्यवाद किया है, जिन्होंने न केवल मंगल सूत्र को संभाल कर रखा बल्कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल किया। इस वीडियो को लाइफ टाइम्स टीवी ने 14 जून को प्रमुखता से अपने चैनल पर लोगों को दिखाया। इस वीडियो को करीब 3.5 लाख लोगों ने देखा और 1100 से अधिक लोगों ने शेयर भी किया। बड़ी बात यह है कि महिला सोशल मीडिया से कोसों दूर है, बावजूद इसके सोशल मीडिया की ताकत ने उन तक उनका मंगल सूत्र पहुँचा दिया। महिला ने बताया कि जब उनका मंगल सूत्र गुम हुआ तो वह डर के मारे किसी को भी नहीं बता पा रही थी, लेकिन जब इसकी जानकारी उन्हें किसी के माध्यम से मिली तो उन्होंने किसी तरह ये बात अपने पति को बताई। फिर उन्होंने सिद्धार्थ शर्मा से संपर्क किया और कुछ फोटोज भेजे। इसके आधार पर मंगल सूत्र उन्हीं का निकला और उन्हें लौटा दिया गया। उधर सिद्धार्थ शर्मा ने भी अपनी ईमानदारी की मिसाल पेश की है, जो कि काबिले तारीफ है। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आया हूँ। दोस्तों, 12 तारीख को हम लोग चूड़धार से वापसी घर की तरफ लौट रहे थे, जहाँ पर हमें एक बहुमूल्य सामान मिला था, जो कि एक मंगलसूत्र था, जो आप देख सकते हैं। ये मंगलसूत्र था और जो आज 26 जून 2022 को हम लोग शिमला में लौटाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो ये मंगलसूत्र था ये सोना जी का था, जो 11 तारीख को चूड़धार गए थे और 12 तारीख को वापसी घर की तरफ लौट रहे थे। तो इनका रास्ते में ये गिर गया था। जब ये घर पहुंचे तो इनको घर जाके पता चला कि मेरा मंगलसूत्र गिर चुका है। तो उसके बाद एक हफ्ते तक ये काफ़ी परेशान रहे। तो जब उन्हें एक हफ्ते बाद पता चला, 10 दिन बाद एक्चुअली मैंने पता चला कि भाई कुछ कोई वीडियो शेयर हो रखी है फेसबुक पे। तो उसके बाद जो मैंने देखा उस वीडियो को और उसके बाद कॉन्टैक्ट किया हमारे से कि भाई ऐसे ऐसे ये हमारा सामान गिरा है। तो इन्होंने मुझे फ़ोटोज़ भेजी, उसकी वीडियोस भेजी और बिल्स भेजे इसके। तो जब हमने वेरीफाई किया तो इनका सामान जो था वो सेम वही था। तो उसके बाद हमने इनको टाइम दिया कि भाई आप ऐसे ऐसे संडे को हमारे से मिलने के लिए आ सकते हैं। तो आज ये शिमला आए हैं, तो आज हमने इनको ये सामान लौटा दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा लाइफ टाइम टीवी का, चौपाल का, जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया, और SDM चौपाल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और चूड़ेश्वर से अस्मिति फेसबुक पेज का भी मैं धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने इस पेज को शेयर किया, और तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन 3000+ साथियों ने इस वीडियो को शेयर किया और इन तक उस वीडियो को पहुँचाया। 10 दिन बाद ये वीडियो इन तक पहुँचाया। तो दोस्तों, मैं इसके साथ साथ अपने उन तमाम भाई का धन्यवाद करूंगा जो मेरे साथ चूड़धार आए थे, जिसमें पंकज शर्मा, शुभम शर्मा, नील कमल शर्मा मेरे साथ मौजूद थे। मैं उनके सपोर्ट और उनके सहयोग का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने, हम लोगों ने जो प्लान बनाया था कि इन तक ये वीडियो पहुंचाए। तो आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और दोस्तों, हम लोग जैसे NGO से जुड़े हैं, यूनाइटेड यूथ फॉर सोशल वेलफेयर की ओर से भी हम लोग लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जिसका मैं अभी स्टेट का जो है महासचिव हूँ। तो दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी का कुछ सामान गिरे तो आज की डेट में जो सोशल मीडिया है हमारे पास बहुत अच्छा वेपन है हर एक की मदद करने के लिए, जिससे हम सहयोग कर सकते हैं अगर किसी का सामान गिरा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर सोना जी हमारे बीच में आए हैं, तो मैं इनसे भी दो शब्द पूछना चाहूँगा कि आपको जब कैसे पता लगा। और जब मेरे को पता लगा कि ऐसे की सामान मिला है, तो मैंने वीडियो फोन करने की कोशिश करी, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी। तो फिर मैंने अपना ये जो भी मेरे पास पहले की फोटो थी, मंगल सूत्र वगैरह थी, वो भेजी। फिर इससे पता लगा कि बोले हाँ ये सेम है। तो फिर आज मेरे को ये चीज वापस मिल गई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, जो भी इनकी, सबसे पहले तो मैं इनकी मम्मी पापा का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए और इतनी अच्छी सोच है, और इनके साथ ही और जो भी उनका भी, सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ जो शिरकुल देवता से, ये सब लोग हमेशा खुश रहे,
स्वस्थ रहे और भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। जब आपका सामान, आपको पता चला कि हमारा सामान गिर गया है, गुम हो गया है, तो उसके बाद आप किस तरह से आपने फेस किया घर में और अपने घर वालों के साथ, और आप परेशान हुए? नहीं, नहीं, नहीं परेशान थी तो मैं किसको बताऊंगी कि मेरे से इस तरह का सामान गुम हुआ। मैंने एक हफ्ते तक किसी को बताया भी नहीं कि मेरा सामान गुम हुआ। जब मेरे को वीडियो से पता चला कि ऐसे ऐसे वीडियो शेयर किए, तब मैंने बताया कि ऐसे मेरा सामान खो गया। जो भी जिन्होंने ये वीडियो शेयर करी, जो भी टीवी चैनल वाले, चौपाल टीवी चैनल वाले, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने ये सब वीडियो शेयर करी और मुझ तक पहुँची। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना दोस्तों। मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, किसी का भी सामान गिरता है, इनका सामान गिरा, डर के मारे ये अपने घर में अपने स्पेंड वगैरह को नहीं बता पाए कि मेरा ऐसे ऐसे मंगलसूत्र गिर गया है। इतने डर चुके थे कि किसी को बता नहीं पा रहे थे। जब इनको पता चला कि ऐसे ऐसे किसी को सामान मिला है, और फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया जो कि हमारे साथ ही है अभी, और फिर जब उन्होंने वीडियो देखी तो वही सामान पाया गया कि भाई जो मंगलसूत्र इनका गिरा था वो वही मंगलसूत्र था। तो उसके बाद ये बहुत खुश हुए हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी का सामान गुम होता है तो हेजिटेट नहीं होना है। सोशल मीडिया में आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं कि भाई हमारा ऐसे से सामान गिरा है उस स्थान पर, अगर किसी को मिले तो वो उन तक पहुंचा दें। और चूड़धार यात्रा में आज की डेट में बहुत ज्यादा लोग। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए छपाल से सुरेंद्र ममटा की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।